And look who's joined me. Hello people. Hello people. मेरा भी शूट है नेक्स्ट मंथ, तो थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences. Yet I thought we were more alike than unlike. Months of rain and chest pain. What's the plan? कंबल भी ग्रे, पापा भी ग्रे, बेटा भी ग्रे. ग्रेज एनाटॉमी होगी ये तो. I love you. I thought we were more alive. I love you. Months of rain and chest pain. What's the plan? Heavy breathing, stay insane. Now grab my hand. Everything is great inside this narrow. And look who's joined me. Hello people. Hello people. मेरा भी शूट है नेक्स्ट मंथ, तो थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा. और हम पंजाबी सिंह से बर्गर मंगवाएंगे रात को. वो तो यार बहुत ज़्यादा भूख लगी थी मेरे को. मैंने शूट देख रहा था और क्योंकि सैटरडे को व्लॉग नहीं डालना होता ना, तो मैंने कहा यार थोड़ा देख लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से नेटफ्लिक्स पर कुछ देखा नहीं. अच्छा तो मैंने देखी नेटफ्लिक्स खोला. मुझे लगा फ्रेंड्स देखूंगा. मैंने कहा सूट सीजन 9. ओह वाओ, मेरा फेवरेट शो है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शो. फेवरेट तो फ्रेंड्स है भाई. हाँ मतलब सूट्स इज समथिंग दैट आई रियली लव वॉचिंग. तो क्योंकि उसमें वो जो हार्वी स्पेक्टर है उससे मैं काफ़ी रिलेट कर रहा हूँ. ठीक है तो इतने सख्त हो नहीं तुम. नहीं वो भी सख्त नहीं है यार. उसको देखोगे तो पता लगेगा आपको. तो हाँ तो मैं देख रहा था मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी आपको. मैंने जोमेटो खोला, मैंने कहा क्या मंगवाया. तो बर्गर मैंने मंगवाया बट आई डिडंट रियली लाइक इट दैट मच. और ब्रेड और अंडे हम रख के सोए थे, बता के सोए थे ब्रेड अंडे हैं. हाँ बट मैं वो देख रहा था ना, तो आई जस्ट वांटेड टू एंटरटेन माय सेल्फ. ओके यू डिजर्व इट. तो आई थॉट कि चलो थोड़ी पार्टी हो जाएगी. अभी हम बॉम्बे चले जाएंगे उसके बाद. उसके बाद वैसे भी काफ़ी एक्टिव हो जाएगी लाइफ. यस रोज कर पाएंगे व्लॉगिंग वो देखना पड़ेगा. बट जिस गेट इट आउट. ठीक है कुछ कोलैब्स भी हैं हमारे, कुछ इंटरेस्टिंग. तो चलो चले फिर चलो. और हाँ बाय द वे लास्ट ईयर इसी टाइम पे मैंने अपनी डाइटिंग शुरू की थी दिसंबर में. सो आई लॉस्ट 8 to 10 kgs इन 2 weeks. 2 to 3 weeks. और मुझे पता भी नहीं था कि ये जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरा वेट लॉस होगा.
क्या था वो ऐसा? मतलब योगिक प्रैक्टिसेस थी, पूरी डाइट मैंने चेंज कर दी। हां आई वाज हैविंग ओनली 2 मील्स इन अ डे, सात्विक प्लस वीगन था। मतलब नो डेयरी प्रोडक्ट्स, नो गार्लिक, नो अनियन, हींग नहीं डाल सकते खाने में। तो बिल्कुल ब्लैंड खाना खाता था मैं और योगा करता था 3 से 4 घंटे। I was doing Surya Kriya, Yogasanas, Shakti Chalana Kriya, Shambhavi Mahamudra and Shunya. Can anyone do this? Yeah, I think उसमें कुछ health conditions होती हैं। Yogic practices जो तो मैंने जो करी हैं, practices देखो मैं पकड़ता हूँ। तो मैंने जो practices करी थी, उसमें भी कुछ कुछ restrictions थे, जैसे कि for example if you have थोड़ा सा अगर आप कोई surgery हुई है तो आप कोई particular आसन है जो आप नहीं कर सकते। अगर इफ़ यू हैव एसिडिक प्रॉब्लम, एसिडिटी का, देन देर आर स्पेसिफिक आसन दैट यू नीड टू अवॉइड। तो इसलिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, यूट्यूब पे देखा, किसी से सीख लिया, तो जो प्रोफेशनली ट्रेन नहीं है उनसे अगर आप सीखोगे, खुद से करने लग जाओगे तो यू माइट एक्चुअली एंड अप इन ट्रबल। तो वो नहीं करना चाहिए। तो हमने जो प्रैक्टिस की थी प्रॉपरली, वी वर इनिशिएटेड बाय टीचर्स हु आर ट्रेन टू डू दिस। बॉम्बे में जो ईशा सेंटर है वहाँ पे मैंने योगासन और सूर्य क्रिया सीखा था, उसी से मेनली मेरा वेट कम हुआ था। और वो वेट शुरू करना था बट हाँ, देन शी कुड नॉट डू इट ना, बिकॉज ऑब्वियसली कीचू था पेट में तब। तो एनीवे दिस इज हाउ, बिकॉज वो एक्सट्रीम है, बहुत बहुत एक्सट्रीम चीज़ें हैं वो सारी ना, डाइट आपको बहुत एक्सट्रीम कंट्रोल। हाँ मतलब फॉर मी इट वॉज एक्सट्रीम, बिकॉज मैंने कभी डिसिप्लिन कुछ किया नहीं जिंदगी में, इसलिए ले लो। ले लो जाओ। यस वेरी गुड, ट्राई 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 कीजिए, गुच्छा नहीं, ट्राई ट्राई ट्राई। यस वेरी गुड, पहुंच गया कीजिए। सर्दियों में बॉडी क्रेव करती है एक अच्छा लोशन मिल जाए, जैसे भूख लगती है ना वैसे द बॉडी वांट्स सम काइंड ऑफ मॉइस्चराइजेशन, क्योंकि इतनी ड्राई हो जाती है। तो मैं फिलहाल जो यूज़ कर रहा हूँ वो है फॉर ऑयली स्किन एंड ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है ये फॉर डीप हाइड्रेशन। तो ऑब्वियसली यार अक्सर सर्दियों में ऐसा होता है कि बॉडी को ज़रूरत होती है, बिकॉज ऐसे करोगे ना वैसे लाइन्स आ जाएंगी, तो अभी नहीं आ रही। और मेरे को वैसे भी ना आई डोंट लाइक ड्राई थिंग्स। यस आई नो। तो मेरे तो मॉइस्चराइजर वैसे भी मेरी लाइफ का एक वेरी इंटीग्रल पार्ट, तो मैं हाथ पैर अपना फेस तो मॉइस्चराइज करता रहता हूँ। तो देख देख के मुझे लगता रहता है अच्छा। हाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब आप मॉइस्चराइजर कोई भी यूज़ कर रहे हो, स्पेशली इफ यू आर पुटिंग इट ऑन योर फेस, तो इट नीड्स टू बी यू नो केमिकल फ्री। तो ये एक अच्छी चीज़ है मामा अर्थ की, यू नो पहली बात तो इतनी अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि यू नो वॉट एवर ऑर्डर यू प्लेस दे विल लिंक इट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, सो विच इज़ लाइक यू नो दे गिविंग इट बैक टू द एनवायरनमेंट। और दूसरा ये है कि कोई भी प्रोडक्ट, मतलब किसी भी प्रोडक्ट में सिर्फ नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स यूज करके ही बनाया हुआ है, इट्स टॉक्सिन फ्री, सो बेझिझक मैं लगा सकता हूँ। हाइड्रेशन चाहिए होती है गर्मियों में भी, ये हमको पता नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ लोशंस दे हैव राइट नाउ, सो दिस वन इज कोको बॉडी लोशन, दिस इज फॉर ड्राई स्किन, देन दे हैव विटामिन सी विच इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स, देन उपटन बॉडी लोशन विच इज फॉर नॉर्मल स्किन, एंड द रोज बॉडी लोशन विच इज फॉर ऑयली स्किन। सो दिस इज द वन विच आई एम यूजिंग राइट नाउ, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है and this is what it craves right now, so you can let me know what is your skin craving in the comments, and mama earth ka discount code hamara use karna na bhule, divverse 2020, to ye code applicable hai mama earth ki website pe, agar aap wahan se direct lete hain ye code dal ke aap 20% discount le sakte hain products ke upar sare, theek hai। amazon aur flipkart pe bhi available hain, but ye coupon code wahan nahi chalne wala, so go and buy it from the website itself if you want a discount। haan ji जी, नो घूमे घूमे गए थे आप, पार्क में गए थे, मम्मी लेके गई थी कीचू को भी पार्क में।
थोड़ी सी फ्रेश एयर देने के लिए। हाँ जी माउथ ऑर्गन की जैसे सही कॉर्ड बजा रहा है एकदम। Hi Samaira, wish you a very very happy birthday, and Kichu also wishes you very happy birthday. He's trying to hold the camera. No, Kichu. So Samaira, words fall short when I think of you, when I want to describe you, when I want to talk about you. You are a very very beautiful soul, and I'm really lucky that you know you are a part of our family, and Kichu is missing you. That's why he's crying. He's saying, when will I go to Samaira Didi's house? When? Oh, yeah. खुद पकड़ी हुई बोतल भाई ने। तो आज दिव्या और कीचू जा रहे हैं दिव्या की मासी के यहाँ पे, समायरा का बर्थडे है तो ओके बाय, हैव अ गुड टाइम, आई विल जॉइन यू इन द इवनिंग। बाय द वे यार, आज का वीडियो लेट हो गया, मेरी गलती नहीं है, इसमें गूगल का सर्वर डाउन हो गया था, मतलब यार यूट्यूब खुद रिस्पॉन्सिबल है। आज तो दिव्या का वीडियो अपलोड करा था, मैंने कहा भाई खुल ही नहीं रहा, ट्राई अगेन लेटर, उसके बाद काफ़ी देर के बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड किया और अब मैं अपना अपलोड करने जा रहा हूँ। सो गाइज, इट्स टाइम फॉर द टॉप एंड मोस्ट एंगेज्ड यूजर्स का, निकिता वर्मा की। वो कह रही है कि मैं आपके व्लॉग्स दिन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार पाँच बार देखती हूँ, और इससे भी चैनल को सपोर्ट मिलता है यार। थैंक यू निकिता, थैंक यू सो मच। उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, दिव्या दी कितनी सुंदर, अर्जुन भैया प्लीज़ आप मुझे फोर्स कीजिए कि अपना वो हेयर एंड मेकअप का वो स्किन का डालें, तो फोर्स तो नहीं कर सकता, जब वक्त मिलेगा ज़रूर हम लोग डालेंगे। स्नेहा चक्रवर्ती बोल रही हैं कि द वे वीडियो को लाइक कर दो इज सेड इज लिटरली फनी एंड आई लव द न्यू टाइप ऑफ एडिटिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आफ्टर हेयर कट अर्जुना इज लुकिंग सो कूल, अलग लेवल का ही स्वैग आ गया। थैंक यू सो मच स्नेहा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मोस्ट एंगेज्ड फॉलोअर हैं दिया मेहरोत्रा। इन्होंने इतनी क्यूट सी एक चीज़ लिखी है फॉर कीचू कि तुम एक खिलता गुलाब हो जो इस दुनिया में आए हो, तुम एक महंगी दुआ हो जिसको अर्जुना भैया और दिव्या दी ने पाया, आपने दूर रहकर भी खुश होने का जरिया बताया, तभी तो भगवान ने आपको कोहिनूर सा बनाया। दिस इज सो ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच दिया। इस तरह के इतने क्रिएटिव कमेंट्स हमको बहुत पसंद हैं, तो ज़रूर आप की करते रहिएगा इस तरह से, बड़ा अच्छा लगा पढ़ के। पारस कपूर, इन्होंने कुछ क्रिएटिव किया है, छोटी छोटी गल दा बुरा ना मनाया कर, बिजी होवे जिन्ना मर्जी व्लॉग तू जरूर पाया कर, योर व्लॉग्स आर माय डे एंड रिचुअल, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच पारस, इतना क्रिएटिवली आपने सोचा ऐसा कुछ लिखने का, तो अच्छा लगा मेरे को।